हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, या जो अभी आत्मनिर्भर सीरीज़ में जिसको सबसे ज़्यादा गेन होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देता हूँ मैं शेयर मार्केट पे, जिससे आपको सिर्फ मुनाफा होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 5th नंबर पर आता है भारत फोर्ज। ये भारत फोर्ज एक बहुत अच्छी डिफेंस की कंपनी है। इसके अभी रिजल्ट्स आए थे जो बहुत शानदार आए थे, जिसके बाद इस शेयर ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी, और उसके बाद इसने अपना 52-week हाई तक लगाने के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन आज मार्केट सेंटिमेंट्स डाउन होने के कारण ये थोड़ा सा डाउन हो चुका है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी रैली देखना भी हमें बाकी है। तो ये है दोस्तों पहला स्टॉक। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो दोस्तों, दूसरा स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज बहुत बेहतरीन शेयर है। इस शेयर ने अब 60 से लगाकर 90 तक इसने जो मूव दिखाया है वो बहुत शानदार मूव दिखाया है, और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा चुका है। और मुझे लगता है ये 100 के पास आराम से इस बार पहुँचेगा, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर में जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसलिए शेयर बहुत अच्छी ऊंचाई दिखा रहा है। तो आपको इसको बाय करके चलना चाहिए, और इसको आप 100 से लगाकर 120 तक के टारगेट्स आसानी से देखने को मिलेंगे। अब तीसरे स्टॉक की बात करते हैं। तीसरा स्टॉक है दोस्तों भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स जैसी कंपनी जो सबसे ज़्यादा मिसाइल्स और ये सब बनाती है, जिसको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इनकी बुक लिस्ट में हैं। तो दोस्तों ये शेयर आराम से 500 टच करने वाला है, और आप 15 अगस्त के बाद जब 17 अगस्त को मार्केट खुलेगा तब आप देखेंगे इन स्टॉक्स में कितनी बड़ी रैली देखने को मिलती है। आज भी दोस्तों इसने 480 के आसपास गया था, लेकिन वो बाद में कंसोलिडेट होकर थोड़ा सा डाउन हो गया था। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये स्टॉक्स कितना ज़्यादा मूव दिखाने वाले हैं। अगर स्टॉक को भी आप बाय करके चलते हैं तो आपको मैं डैम श्योर कहता हूँ कि मुनाफा होगा। चौथे स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों। जो चौथा स्टॉक है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस शेयर ने बहुत भयंकर रैली दिखाई है अभी थोड़े दिनों में। इस शेयर ने 8-9% के रिटर्न एक दिन में दिए हैं। 8-9% की रैली एक दिन में दिखाई है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये डिफेंस का बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, और ये इसको बहुत सारे ऑर्डर्स डिफेंस के इसके पास आने वाले हैं। इसका चार्ट्स मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, बहुत भयंकर इसके चार्ट्स हैं। आप इसके चार्ट देखेंगे एक महीने के, और इसका कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में देखिए सिर्फ ऊंचाई ऊंचाई दिख रही है, और मैंने इस स्टॉक के बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आपके पास हो तो वो ये स्टॉक हो तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। अब पांचवें स्टॉक की हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं, जो सबसे बेहतरीन स्टॉक है। तो पाँचवा स्टॉक है HAL, यानी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत भयंकर कंपनी। ये शेयर सिर्फ 800 से 900 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन जब से एक गलवान इंसिडेंट हुआ तब से शेयर ने बढ़त पकड़ी है, और कुछ दिनों से आत्मनिर्भर स्कीम के कारण ये शेयर ने जो रैली दिखाई है, हर रोज़ 7-8% की गेंस दिखा रहा था, और इस हफ्ते तो इसने कम से कम 20-30% के ओवरऑल रिटर्न्स दिए हैं शेयर ने। और अपकमिंग मूव इसका अराउंड हमको लग रहा है कि 1500 से 1600 रुपये के आसपास और जाएगा ये आने वाले दिनों में। और हमें लगता है कि अगर आप इसको बाय करके चलते हैं तो ये स्टॉक आपको बहुत भयंकर रिटर्न्स देने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको बाय करके चलिए, क्योंकि ये शेयर ने अभी तक जो मूव दिखाता था 700-800 के पास वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं आपको इसके एक हफ़्ते के रिटर्न्स दिखाता हूँ। 25.43% के रिटर्न्स दिए हैं एक हफ्ते में, तो सोच लीजिए दोस्तों क्या शेयर अभी रनिंग अप में है। तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो बनता है बाय करके चलना। मैं आपको खुद बता दूं, मैंने खुद ने इसको 800 के प्राइस पर ले रखा है, और अभी मेरे पास इसके ज़्यादा शेयर नहीं है, बस 30 शेयर ही है, लेकिन मैंने ले रखा है यहाँ पर, और मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों इस शेयर को ज़रूर बाय करके चलिएगा, इसमें मेरा खुद का निजी निवेश भी है, तो मैं आपको इसको बाय करने की सलाह देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो टॉप 5 जो हमने आपको डिफेंस स्टॉक बताए हैं, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।